योना चौथा बाब। लेकिन योना इससे नहायत नाखुश और नाराज हुआ, और उसने खुदावंद से यूं दुआ की कि ऐ खुदावंद, जब मैं अपने वतन ही में था और तरसेस को भागने वाला था, तो क्या मैंने यही ना कहा था? मैं जानता था कि तू रहीम करीम खुदा है, जो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है और अजाब नाजल करने से बाज रहता है। अब ऐ खुदावंद, मैं तेरी मिन्नत करता हूं कि मेरी जान ले ले, क्योंकि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। तब खुदावंद ने फरमाया कि क्या तू ऐसा नाराज है? और योना शहर से बाहर मशरिक की तरफ जा बैठा और वहां अपने लिए एक छप्पर बनाकर उसके साया में बैठ रहा कि देखे शहर का क्या हाल होता है। तब खुदावंद खुदा ने कद्दू की बेल उगाई और उसे योना के ऊपर फैलाया कि उसके सिर पर साया हो और वो तकलीफ से बचे, और योना उस बेल के सबब से नहायत खुश हुआ। लेकिन दूसरे दिन सुबह के वक्त खुदा ने एक कीड़ा भेजा जिसने उस बेल को काट डाला और वो सूख गई। और जब आफताब बुलंद हुआ तो खुदा ने मशरक से लू चलाई और आफताब की गर्मी ने योना के सिर में असर किया और वो बेताब हो गया और मौत का आरजूमंद होकर कहने लगा कि मेरे इस जीने से मर जाना बेहतर है। और खुदा ने योना से फरमाया कि तू इस बेल के सबब से ऐसा नाराज है? उसने कहा, मैं यहां तक नाराज हूं कि मर जाना चाहता हूं। तब खुदावंद ने फरमाया कि तुझे इस बेल का इतना ख्याल है जिसके लिए तूने ना कुछ मेहनत की और ना उसे उगाया, जो एक ही रात में उगी और एक ही रात में सूख गई। और क्या मुझे लाजिम ना था कि मैं इतने बड़े शहर नैनवा का ख्याल करूं, जिसमें 120,000 से ज्यादा ऐसे हैं जो अपने दाहिने और बाएं हाथ में इम्तियाज नहीं कर सकते और बेशुमार मुवैशी हैं?